चलें बेबी। आ गए तुम, कहाँ बिजी थे? मैं कब से फोन लगा रही थी। पहले इन बातों का जवाब दो, फिर यहाँ से जाएंगे हम। बेबी मैं कहाँ बिजी रहूंगा और किससे बात करूंगा? मैं तो राहुल से बात कर रहा था, थोड़ा तो समझो मुझे। हाँ मैं समझ ही रही हूँ, और पहले भी समझ रही थी और आगे भी समझती ही रहूंगी। समझने के अलावा मुझे मिल ही क्या रहा है, इतने सालों से मैं समझ ही तो रही हूँ ना। तुम इतनी बातें क्यों बढ़ा रही हो? अच्छा तो मैं बातें बढ़ा रही हूँ, चलो दिखाओ अपना फोन। क्या मतलब है मेरे फोन से? डर गए? मत दिखाओ मुझे तुम्हारा फोन। आई ऑलरेडी चेक्ड योर फोन। क्या? यू चेक्ड माय फोन? हाउ डेयर यू नेहा। फोन चेक करके मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, जो इतना बड़ा रिएक्ट कर रहे हो, और जो फोन के अंदर मिला उसका क्या? हाँ नेहा जाने दो ना, ये सब वो सब पुरानी बातें थी। ये सब भूलना होता तो कब का भुला देती, किस तरह घुट घुट के तो ना मरती मैं। तुम और तुम्हारी पुरानी आदतें मैं कभी नहीं भुला सकती। अब मुझे अकेला छोड़ दो, तुम निकलो यहाँ से। एक्सक्यूज मी, मैंने सुना आपका ब्रेकअप हो गया। हाँ तो क्या हुआ? जब आप इतने हैंडसम हो और गुड लुकिंग हो तो फिर वो लड़की आपको कैसे छोड़ सकती है? खैर छोड़ो, वैसे मैंने ये भी सुना है कि वो जब आपको छोड़ के गई उसके बाद आपने एक आंसू भी नहीं बहाया, पर ऐसा क्यों? वैसे ये बात आपको किसने कही है? खैर जिसने भी आपको ये बात कही है ना, आप उसको जाके ये बात जरूर बोल देना, जो लोग छोड़ के चले जाते हैं ना वो लोग बहुत सस्ते होते हैं, और जो लोग सस्ते होते हैं ना उनके लिए कभी महंगे आंसू बहाए नहीं जाते। देख बेटा पापा ने इस बार धनिया बोया। मम्मी आप मुझे कहाँ ही खेत वेत में ले आई, आपको तो पता है कि मुझे शहर पसंद है। आप तो एक काम करो, ये खेत वेत बेच के ना जमीन सारी के सारी शहर में ले लो। बेटा तू ये कैसी बात कर रही है, तेरी जन्मभूमि इसी खेत के पैसों से तुझे पढ़ा लिखा कर तेरे पापा ने तुझे शहर भेजा, तू ये मत भूल। मम्मी इसमें कौन सी बड़ी बात है, सारे माँ बाप तो अपने बच्चों को पढ़ाते, उसमें पापा ने भी पढ़ा दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? और वैसे भी ये गांव की गंदगी देख के मुझे घिन आती है, अगर आगे से आपको मुझसे मिलना हो तो आप शहर ही आ जाना, मुझे गांव में बुला लेना। रुक तो जा, किसी से मिल ले फिर चले जाना। ठीक है मैं आपकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ, बुलाओ किसे बुलाना है? बेटा इधर आना। जी आंटी बोलिए ना। बेटा जरा बताना आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो? आंटी जी मैंने IIT से पढ़ाई की है और अभी अमेरिका में जॉब करता हूँ, इंजीनियर हूँ। फिर ये खेतों में काम क्यों कर रहे हो? आंटी जी आप ये कैसी बातें कर रहे हो, जिस जगह से हमको पैसा मिला मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया, तो मैं इस जगह को कैसे भूल सकता हूँ? ये जगह तो मेरी जन्मभूमि है, मेरा पालनहार है। और आंटी वहाँ पर मुझे कितना भी पैसा मिल जाए, मैं कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊँ, लेकिन मैं मेरी जन्मभूमि कभी नहीं भूल सकता। और वैसे आंटी आपकी ये बेटी है ना, आपने मुझे बताया था, आप क्या करते हैं? मैं तो शहर में जॉब करती हूँ, 40,000 रुपए महीना तनख्वाह है मेरी। देख ले इससे बड़ा उदाहरण तुझे क्या। आंटी जी मैंने तो हमेशा एक बात सीखी है, फलों से भरा पेड़ हमेशा झुकना सिखाता है ना कि अकड़। चलता हूँ आंटी जी।